हाय गाइस, हैप्पी न्यू ईयर 2024। तो इस साल का पहला मॉर्निंग टू नाइट एक ग्लो अप रूटीन शेयर करूंगी और इस नए साल के लिए हमारे क्या क्या रेजोल्यूशंस है, मेरे और आपके क्या होने चाहिए ताकि हमारा 2024 काफ़ी सक्सेसफुल और अच्छा रहे। तो मैं एक्चुअली अपनी स्पेन पोर्चुगल ट्रिप से बस वापस ही आई हूँ। जिस दिन मैं ये वीडियो शूट करी थी, इट वॉज जस्ट माई थर्ड डे दैट आई केम बैक। तो थोड़ा लेट से उठी हूँ क्योंकि अभी बॉडी क्लॉक एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है और काफ़ी ठंड भी है अभी, तो मुझे ठंड थोड़ा ज़्यादा लगता है। एंड एज आई वोक अप आई फर्स्ट स्टार्टेड टू हैव सम ड्राई फ्रूट्स। रात को भिगो के रखना भूल गई थी तो मैंने ऐसे ही खा लिया गर्म पानी पीने के बाद। एंड यू नो व्हाट, आज सिर्फ ठंड ही नहीं बहुत ज़्यादा, बट मेरा आज पीरियड का फर्स्ट डे भी है, काफ़ी हैवी फ्लो है। बट चलो कोई बात नहीं, दिस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर लाइफ्स। हर साल की तरह इस साल भी मेरा फर्स्ट रेजोल्यूशन एंड गोल ऑफकोर्स है टू फोकस ऑन माई हेल्थ एंड फिटनेस। वो तो मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते, वो हमेशा फर्स्ट गोल एंड प्रायोरिटी होनी चाहिए हम सब की। एंड स्पेशली इफ़ एज वी एज एवरी ईयर, हमारी इस गोल पे फोकस ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए, ना कि कम होना चाहिए। आई नो हम बहुत व्यस्त हो जाते हैं, एवरी ईयर काम ही बढ़ते रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती रहती है और बहुत बार हमारी गोल जो होती है फिटनेस का, हेल्थ का, वो हट जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी बॉडी हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि ठंड बहुत है तो मैंने अमेज़ॉन से बहुत क्यूट क्यूट सामान मंगवाया है, जैसे कि अभी देखो ये फ़्लिप फ्लॉप, फड़ी वाले फ़्लिप फ्लॉप्स इतने क्यूट है। मैं ना सारे क्यूट क्यूट सामान का लिंक दे दूँगी। ये मेरे पैरों को बहुत वार्म रख रहे हैं अलॉन्ग विथ माई वुलन सॉक्स। और ये इलेक्ट्रिक कवर या मैट्रेस कवर आप इसको कह सकते हो, ओ माई गॉड दिस इज़ अ स्टील गाइस, इसको प्लीज़ ले लेना। क्योंकि ठंड में अगर मैट्रेस आपकी ठंडी रहेगी ना तो नींद अच्छी से नहीं आती। और स्लीप प्रायोरिटी है मेरी, आपकी, हम सबकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और ये आपको सीरियसली आपकी नींद अच्छी रखेगी, पूरी ठंड में आपको बिल्कुल ठंड नहीं आएगी। आप मेरी बात मानो और इस पे इन्वेस्ट करो, बहुत ही सही है। नेक्स्ट आफ्टर आर बॉडी एंड स्लीप, वी हैव टू फोकस ऑन आर मेंटल वेलबींग। मे बी मेंटल वेलबींग आपकी फ़र्स्ट होनी चाहिए। तो ये है मेरी ग्रेटिट्यूड जर्नल, जो कि आप लोगों को पता होगा मैं लास्ट ईयर से काफ़ी रेगुलरली लिख रही हूँ। इनफैक्ट आपको पता है मैं अपनी स्पेन पोर्चुगल ट्रिप पे गई थी, वहाँ भी मैंने इसको कैरी किया टू राइट इट एवरी सिंगल डे। आज भी बैठ के मैं अपने अफर्मेशंस, मेरे ड्रीम्स, मेरे विशेस सब लिखती हूँ। ऑफकोर्स मैं ये बहुत जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो मैं आपको बता रही हूँ, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। एंड जाओ, इफ़ यू वॉन्ट टू बाई इट फॉर योर सेल्फ, प्लीज़ गेट इट एंड यू विल नॉट रिग्रेट इट। दिस विल रियली ओपन अप your vision and help you achieve your dreams and your goals. Last year June से ना मैंने दूध वाली चाय पीना छोड़ दिया है and I want to stick to it this year also. I am a chai lover. मैं अभी चाय लेती हूँ but black tea and oats milk के साथ coffee ले लेती हूँ, या फिर अगर चाय बनाऊँगी तो कभी कभी उसमें ओट्स मिल्क डालूँगी। बट मुझे जो दूध वाली चाय की लत थी उसको लिटरली मैंने किल कर दिया है। अब मैं अपना ब्लैक टी एंजॉय कर रही हूँ और बाहर जाके ही मैंने देखा कि काफ़ी अच्छी धूप आई है, तो मैंने सोचा कि चलो अभी काम करेंगे तो यहीं पर बैठ के आज कर सकते हैं, क्योंकि अभी 11:30 बज रही है। अच्छा, मैंने ना अमेज़ॉन से ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट लिया है, ये वार्मीज़। आप देख लो, इससे ना मेरे फिंगर्स खाली रहेंगे तो मेरे हाथ वार्म रहेंगे, मेरे पैर और मेरे हाथ बहुत ठंड रहते हैं। तो दीज आर लाइक लाइफ सेवर्स एंड सो क्यूट, हाथ भी वार्म है और आप मोबाइल भी कर सकते हो, जो भी काम है सब कुछ आप खटखट कर सकते हो उसके साथ। वैसे इस साल की शुरुआत तो काफ़ी मेरी रिलैक्स्ड एंड चिल थी, क्योंकि मैं ट्रिप पे थी तो वहाँ पर मैं काफ़ी अपने आप को अपने हस्बैंड के साथ एंजॉय कर रही थी एंड मैं काफ़ी एक रिलैक्स्ड वाइब में थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल मेरा वही वाइब रहना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू गो इन टू एक्सट्रीम हसल मोड। आई वॉन्ट टू ऑफकोर्स अचीव माई ड्रीम्स, मेरे बहुत सारे ड्रीम्स एंड गोल्स हैं, बट मैं काम करूँगी, हसल नहीं करूँगी और ज़्यादा टेंशन नहीं लूँगी। हम सब के लिए ना भगवान है, यूनिवर्स है, आई लीव इट टू हिम एंड गिव माई बेस्ट। अच्छा, ये मैं आपको अपना फ्रिज दिखा रही हूँ। दुनिया में जहाँ जहाँ जिस जिस कंट्री में हम लोग घूमे हैं ना, सबका फ्रिज मैग्नेट यहाँ पर ऑलमोस्ट है। एक्चुअली मुझसे ज़्यादा उत्सव को इसका काफ़ी शौक है और देखो ऑलमोस्ट भर गया है, और भगवान करे आगे भी भरता रहे।
अभी अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया था, दो लिपस्टिक्स लॉरियल का, वो आ गया है एंड आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई देम आउट। ऑल राइट, तो आज लंच में टिपिकल बंगाली स्टाइल में खाना बना है। एंड खाना यार जो भी बोलो, जब आप ट्रिप पे जाते हो ना, कुछ दिन तक बाहर का दूसरे कंट्री का खाना अच्छा लगता है, और उसके बाद आपको घर का इतना याद आता है ना, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फूड। एंड वहाँ पर हमने रेस्टोरेंट्स, हमें मिला था दो तीन इंडियन रेस्टोरेंट, बट उनका खाना भी ना घर जैसा तो ऑफकोर्स होता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है जब आप बाहर जाते हो, और अगर आप वेजिटेरियन हो तो फिर तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ऑप्शंस यूरोप एंड बाहर जाते कंट्रीज में थोड़े कम होते वेज के। बट खैर कोई बात नहीं, चलो लंच के एक घंटे बाद मैं अपनी फ्रूट ले रही हूँ। डेली एक फ्रूट लेना ज़रूरी है गाइस, सीजनल फ्रूट इज़ अ मस्ट। बहुत बहुत लोग इसको स्किप करते हैं, मुझे ये पता है, क्योंकि जिस भी क्लाइंट के साथ मैं इंटरेक्ट करती हूँ, मेजॉरिटी ऑफ देम स्किप्स देयर डेली फ्रूट्स। ओके, नेक्स्ट रेजोल्यूशन विच इज़ मैंडेटरी इज़ गर्ल्स प्लीज़ सेव योर मनी। आप जितना भी अर्न करते हो, एटलीस्ट 60-70% आपको सेव करना चाहिए, एंड इन्वेस्ट योर मनी इन स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, SIPs, सो दैट आपके जो भी ड्रीम्स है उसको आप अचीव कर सको। अपने लग्जरी एंड ड्रीम्स के लिए प्लीज़ डू नॉट डिपेंड ऑन एनीबडी, जस्ट अर्न योर मनी, सेव इट एंड देन इन्वेस्ट इन लग्जरीज ऑफ योर चॉइस। लास्ट ईयर मैंने अपने आपको ये लुई विटों का बैग गिफ्ट किया था पेरिस में, और इस साल खुद को ये YSL का बैग दिया था, पिंक वाला जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया। दिस ऑल अर्न बाय माय ओन मनी बिकॉज ऑफ स्मार्ट सेविंग एंड अर्निंग। सो प्लीज़ डू कंसिडर सेविंग, इवन स्टार्ट विथ मे बी 5,000 rupees, 10,000 rupees, एंड इवेंचुअली इट विल बिल्ड अप ओवर द ईयर्स। ओके, ये हीटिंग पैड देखो कितना क्यूट है, ये भी अमेजोन से लिया है मैंने, क्योंकि जब भी आपको पीरियड के क्रैम्प्स हो रहे हैं या कहीं पेन हो रहा है जो ठंड की वजह से होती है, दिस रियली हेल्प्स अ लॉट। और इसको तो मैं खास करके यूज़ करती हूँ एज माई हैंड वार्मर, मैंने आपको कहा था कि हाथ पैर मेरे ठंडे रहते हैं, सो आई बाई ऑल दीज क्यूट स्टफ। इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। Of double cleansing at night, you must incorporate in 2024 if you have not already. Small dabba, you don't need a lot of product. And raat ko sone se pehle double cleansing kya karta hai pata hai aapko? It will ensure that all your creams, all your products, they penetrate through your skin properly, and your clothes and your pores get unclogged and अच्छे से मेकअप की, इवन इफ यू डोंट मे वेयर मेकअप, यू नीड टू डू इट बिकॉज वी ऑल वेयर सनस्क्रीन्स, राइट? सो इसको ब्रेक डाउन करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट इज अ क्लेंजिंग बाम और अ क्लेंजिंग ऑयल, एंड सेकेंड स्टेप इज गोइंग टू बी योर फेस वॉश, जो आपका रेगुलर फेस वॉश है। इट्स अ मैजिकल थिंग, आई डोंट नो व्हाई आई वॉज नॉट डूइंग दिस अर्लियर। Okay, so the first step of cleansing is done. Now the second step is my cleanser, face wash, जो है, तो ले रही हूँ। I'm using the DS Acne face wash. सीरम लगाया, आई यूज़ द लॉरियल हाइलुरोनिक एसिड सीरम टुडे, एंड उसके बाद आई यूज़ द ट्रीटमेंट जो मैं यूज़ कर रही हूँ फॉर द लास्ट 3 months, एजीडर्म क्रीम। मैंने इसके बारे में पहले बताया है, ये डार्क स्पॉट्स के लिए, मार्क्स के लिए, एक्ने के लिए बहुत ही अच्छा क्रीम है। आई एम नॉट करंटली यूजिंग एनी रेटिनॉल्स और रेटिनॉइड, सो आई एम यूजिंग दिस वन, एंड देन फाइनली आई विल गो इन विद माई मॉइस्चराइजर। I'm going to recommend two, ये बायोडर्मा का एटोडर्म क्रीम फ्रॉम एक्सट्रीमली ड्राई सेंसिटिव स्किन, और द एसिस फार्मा क्रीम फॉर नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन। ये दोनों ही सेंसिटिव एक्नी प्रोन स्किन के लिए परफेक्ट है। उसके बाद मैं कर रही हूँ अपना डिनर, आज है बाजरे की खिचड़ी, सब्जी, एंड मैंने एक रोस्टेड पापड़ लिया है। नेक्स्ट थिंग ऑफकोर्स
लास्ट ईयर थोड़ा सा स्लीप को लेके स्ट्रगल किया था मैंने, तो इस साल स्लीप डेफिनेटली इज़ अ प्रायोरिटी। अभी घूम के आने के बाद ऑफकोर्स 2-3 दिन में थोड़ा सा स्लीप का भी टाइम इराटिक हो गया है, बट आई विल फिक्स इट बिकॉज आई एम गोइंग टू द बेड अर्ली, आई एम ट्राइंग टू बी देयर ऑन द बेड। अभी मैंने अपना नाइट ड्रिंक लिया है और ऑफकोर्स मुझे काम है क्योंकि मुझे क्लाइंट्स पे क्या क्या चल रहा है व्हाट्सएप पे, आई हैव टू चेक ऑल माई क्लाइंट्स क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या एक्टिविटी हुआ है। एवरी डे एटलीस्ट 3-4 times आई गो एंड चेक व्हाट ऑल दे आर डूइंग। मुझे ये काम करना बहुत ही अच्छा लगता है, यू नो, बिकॉज आई कैन चेंज द लाइफ ऑफ सो मेनी पीपल, हेल्प देम लूज वेट, बिकम फिटर। एंड 2024 मेरे ईट लव प्रोग्राम में ऑफर्स भी चल रही है, तो अगर आपको अवेल करना है आप अवेल कर लो एंड ज्वाइन कर लो मेरा प्रोग्राम। आपको बस ईमेल करना है मुझे इफ़ यू रियली वॉन्ट टू बी फिट एंड लूज वेट इन 2024 इन अ सस्टेनेबल मैनर। अच्छा, अब लास्ट ये लिप मास्क लगा रही हूँ फ्रॉम एक्वालॉजी का, इट्स एक्सेलेंट गाइज, लनेश का बाप मुझे लगता है ये, बिकॉज ऑफ द प्राइस, प्राइस डिफरेंट तो देखो आप इसका। ऑल राइटी, सो टाइम टू एंड द डे एंड आई एम गोइंग टू नाउ कीप अवे माई ईयरबड्स एंड मैं सोने जाऊँगी। अब मैं जस्ट लेट जाऊँगी एंड ट्राई टू नॉट लुक एट माई स्क्रीन। उत्सव ऑफिस के काम के लिए आज रात चेन्नई गया है, बेचारे को आके एक मीटिंग के लिए जाना पड़ा, बट ही विल बी बैक टुमारो ओनली। सो एनी वे आई एम अलोन, बट आई एम गोइंग टू स्लीप वेल एंड हैव अ गुड नाइट रेस्ट। आई विल सी यू टुमारो। आपके क्या क्या रेजोल्यूशन है इस साल प्लीज़ कॉमेंट्स में बताना। ऑल्सो लेट मी नो वॉट ऑल काइंड ऑफ कॉमेंट्स यू लाइक टू सी। आई रियली लव टू रीड योर कॉमेंट्स। टेक केयर, बाय बाय।